बीपीसीएल के पेट्रोल पंप के इनॉग्रेशन के लिए यहाँ पे आए हमारे हम लद्दाख वाले तो आपको मेहमान ही बनूंगा सचिव जी और आपके यहाँ के जो मैनेजर थिलेश जी और आपके पूरे स्टाफ और विशेष रूप से यहाँ पे पूज्य भिक्षुगण और यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई के साथ मैं चंद शब्द कहना चाहूँगा। ये केवल भारत पेट्रोलियम के लिए नहीं, केवल लद्दाख वासियों के लिए नहीं, बल्कि सीमा सुरक्षा से जो ताल्लुक रखने वाले जितने भी देश के वासी सब के लिए खुशखबरी है ये, क्योंकि लद्दाख सब जानते हैं ये एक सीमावर्ती इलाका है और जहां देश के सिक्योरिटी को लेके, देश के सरकार से लेके जनता तक सभी लोग चिंतित रहते हैं और इस क्षेत्र में सुविधाओं को किस तरह से उपलब्ध कराया जाए, किस तरह से लोगों की जिंदगी आसानी किया जाए और इंडियन आर्मी के जो ज़रूरत जो है वो हर सेक्टर जो है उसको प्रबंधन किया जाए और ख़ासकर पेट्रोलियम कंपनीज जो है भारत सरकार का भी पूरा सहयोग रहता है, आशीर्वाद रहता है। जिस तरह भी आपने यहाँ पे कहा कि 2019 से पहले पूरे लद्दाख में 13 ही पेट्रोल पंप था लेकिन उसके बाद 19 पेट्रोल पंप नया खुला गया इसी 3 साल में, तो इससे यह दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी के इस क्षेत्र को लेकर क्या विजन है, पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से कितना यहाँ पे पुश होते हैं और केवल पेट्रोल पंप खोलना ही नहीं बल्कि सब जीरो टेम्परेचर में डीजल चले, ऐसे जीरो ग्रेड डीजल का भी यहाँ पे जो है 2019 में शुरू करके उसका भी 2020-21 में ट्रायल चल के अभी उसमें भी इम्प्रूवमेंट अपग्रेड करके उसका भी जो न्यू वर्जन जो है लद्दाख में अभी आ रहा है। तो ये पूरे लद्दाख वासियों के साथ साथ देश वालों के लिए भी एक खुशखबर है क्योंकि यहाँ जब सब जीरो टेम्परेचर में जाते हैं तो यहाँ के जो आम लोग जो है बहुत सारे लोग दो दो जो गाड़ियाँ रखना पड़ते हैं समर के लिए डीजल वाला, विंटर के लिए पेट्रोल वाला, जिससे लोगों के आमदनी हो या खर्चा हो, खर्चा बहुत ज़्यादा होता है आमदनी कम से, तो ये सारा दूर करने के लिए सरकार ने बहुत प्रयास किया है कि इस क्षेत्र को किस तरह आगे फाले फूले। और मैं भारत पेट्रोलियम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि अभी ले में आप डिब्बू खोलने के साथ साथ यहाँ भी पेट्रोल पंप खोलना शुरू हुआ है, तो ये हमारे लिए एक न्यू बिगिनिंग भारत पेट्रोलियम के साथ साथ लद्दाख के लोगों के साथ, इंडियन आर्मी के साथ, सभी लोगों के लिए है और केवल लद्दाख के लोग और इंडियन आर्मी का ही नहीं बल्कि जिस तरह आपने कहा ये एक टूरिस्ट वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है पूरे इंटरनेशनल टूरिस्ट मैप पे अगर देखा जाए, तो टूरिस्ट के लिए भी बहुत सारे फैसिलिटीज जो है अलग अलग आज लद्दाख में ये देखने को मिलेगा। हर 20-25 किलोमीटर में आपको एक पेट्रोल पंप देखने को मिलेगा, पहले नहीं होता था। अगर हम याद करें कि पहले लद्दाख में क्या होता था 2019 से पहले, संस्कार में केवल एक ही पेट्रोल पंप होता था जिसमें पेट्रोल का स्टॉक खत्म होता था, नुब्रा का एक ही पेट्रोल पंप, वो भी जो पुराना मॉडल वाला हाथ से ऐसे घुमा घुमा के पेट्रोल निकालने वाला, तो बहुत सारे टूरिस्ट तो उसी को वीडियो बना के मजे लेते थे पेट्रोल मिले या ना मिले, लेकिन ये एक आर्कोलॉजिकल साइट कभी कभी हम मजाक में कह देते उसको डिक्लेयर कर देना चाहिए, लेकिन आज हमारे जो फार फ्लंग एरियाज है नुब्रा हो संस्कार हो वहाँ भी आपको 3-4 पेट्रोल पंप देखने को मिलेगा, विंटर स्टॉकेज जो है वहाँ पे आपको सुविधा उपलब्ध हुआ है, तो ऐसे बहुत सारे लोगों के जीवन जो है इम्प्रूव हुआ है, ईज हुआ है। तो इसमें भारत सरकार के साथ साथ जितने भी जो सरकारी PSU से चाहे वो BPCL हो, HPCL हो, IOCL हो, मैं सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा और आज विशेष रूप से BPCL के साथ साथ यहाँ के जो पेट्रोल पंप के ओनर हैं मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और ये केवल लोगों को सुविधा उपलब्ध करते ही नहीं बल्कि यहाँ के जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट को भी कम करते हैं, यहाँ हर एक पेट्रोल पंप में जो है लगभग 5 से 10 तक लोग जो यहाँ पे लग जाते हैं, किसी का आमदनी होते हैं, एंटरप्रेन्योर होते हैं, तो उससे यहाँ के जो कुछ अनएम्प्लॉयमेंट का इश्यू है वो भी धीरे धीरे सभी सेक्टर जो है इसमें हाथ बांध के अपने अपने पाँव पे खड़ा होने के काबिल बनता है। तो इस चीज के लिए भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और विशेष रूप से आज यहाँ पे आप सब
उपस्थित रहे और सबके हौसला अफजाए। मैं इस चीज के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, विशेष रूप से मैं मीडिया बंधुओं को भी अग्रिम दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस पेट्रोल पंप के डीलर, पीपीसीएल के डिमो डिपो के इंचार्ज श्री थिनलेश नॉर्बू एवं इस पंप के प्रोस्पेक्टिव सारे कस्टमर्स, उन सबका मैं भारत पेट्रोलियम की तरफ से संजीव डौकिया टेरिटरी कोऑर्डिनेटर जे एंड के लद्दाख आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, ये रिटेल आउटलेट पेट्रोल पंप, जैसा कि आप लोग आम जन की भाषा में बोलते हैं, इस पेट्रोल पंप को इनॉग्रेट करने के लिए सर को हमने यहाँ आमंत्रित किया है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि भारत पेट्रोलियम ने 2019 में यहाँ लद्दाख में अपना फर्स्ट रिटेल आउटलेट सेटअप किया था, लेकिन क्योंकि हमारा डिपो जहां से हम सप्लाई करते हैं वो हम सेटअप नहीं कर पाए थे, तो उसकी वजह से सप्लाई नहीं दे पा रहे थे। काफी प्रयास किए गए, सर ने उसके लिए काफी फॉलोअप भी किया काफी हायर लेवल पे, और उनके प्रयासों की वजह से ही फाइनली अगस्त 2019 में हम डिपो को सेटअप कर पाए। सर उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मैं आपको। सिर्फ डिपो ही हम लोगों ने सेटअप नहीं किया, डिपो को कमीशन करते ही हम लोगों ने इसी साल टोटल 5 पेट्रोल पंप अभी रिसेंटली चालू किए हैं। तो मैं चाहूंगा कि एक तो आप तालियां बजा के इस पेट्रोल पंप का और बाकी 5 पेट्रोल पंप का जो कि कारगिल और लेह में हमने स्टार्ट किए हैं उनका अभिनंदन करें। लद्दाख एक ग्रोइंग मार्केट है, जितने टूरिस्ट का फुटफॉल यहाँ पे लद्दाख में रहा है उन्होंने पिछले सारे वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आप सभी लोगों को भी ये जानकारी होगी, बहुत भारी तादाद में इस साल में यहाँ टूरिस्ट आए हैं और उन्होंने इतनी सुंदरता जो इस जगह पे है उसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। जस्ट अगर मैं पेट्रोलियम उत्पादों की सेल की बात करूं तो पिछले साल से ऑलमोस्ट 80% की ग्रोथ पेट्रोल और डीजल के वॉल्यूम्स में यहाँ पे है। अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे कितना आने वाले टाइम में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है। 2020 तक यहाँ पे सिर्फ अगर मैं बात करूं तो सिर्फ 13 पेट्रोल पंप थे। पिछले 3 सालों में 3 ऑयल कंपनियों ने मिला के मैं बताऊंगा आपको 19 पेट्रोल पंप और लगाए हैं यहाँ पे सर। तो ये इसी बात से आप पता लगा सकते हैं कि यहाँ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की ग्रोथ किस तरह की, क्योंकि इस इंडस्ट्री की ग्रोथ किस तरह की होने वाली है।